वेलकम टू द चैनल। और आज हम आए हैं फिर से हमारे रोब्लॉक्स के वर्ल्ड के अंदर, जिस वर्ल्ड के अंदर हम फिर खेलने जा रहे हैं हमारा नेचुरल डिजास्टर। मतलब इसमें अलग अलग तरह के डिजास्टर आते हैं, बवंडर वंडर जो भी हैं, और उन बवंडर से हमें बचना है और सर्वाइव करना है। तो देखते हैं हम कितना तगड़ा सर्वाइव कर पाते हैं इसमें। वैसे मुझे नहीं पता अगला बवंडर क्या आने वाला है, या मतलब जो भी डिजास्टर क्या होने वाला है, तो वो तो होने के बाद ही पता पड़ेगा। और ये क्या उड़ रहा है भाई, क्या है भाई ये, अभी किश्ती खतरनाक ट्रेन से लाते कहाँ से हो तुम लोग साले? मेरे पास तो कुछ है नहीं ऐसा है, मैं इसके सर पे बैठ गया हूँ, ये निकल गया है। तो वेट करना पड़ेगा अगले वो डिजास्टर स्टार्ट होने का। और ये सर्वाइव है लास्ट डिजास्टर के, तो अब हमें लगता है हमें भी सर्वाइव करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट में आ चुका है प्रिजन पैनिक, मतलब एक तरह से प्रिजन है, प्रिजन हुआ करता था, मुझे भी नहीं पता। पर अंदर जाके देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर ये अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से मुझे बाहर ही खड़े रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अगला डिजास्टर होने क्या वाला है। अगर अर्थक्वेक कुछ आ गया तो हम तो नहीं। मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, शायद एयर चल रही है, हवा चलने वाली है, क्या होने वाला है भाई? जल्दी दे दो डिजास्टर। थंडरस्टॉर्म आ रहा है और हमें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, मैं यार अगर इस कोने में ही खड़ा रहूं तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? डोंट स्टैंड इन द ओपन एंड हाई प्लेस। ओके, मैं हाई प्लेस पर भी नहीं खड़ा हो सकता, तो मैं इसके अंदर अगर खड़ा रहूं तो इससे कुछ फ़ायदा होगा कि यहाँ मुझे मैं मर जाऊँगा? मुझे भी नहीं पता। मैं बाहर देखो अगर माहौल क्या है। ओके, बाहर माहौल बहुत यार, वो बंदा मतलब, अबे गधेड़े अंदर आजा भाई, अबे बिजलियाँ कड़क रही है भाई, अंदर आजा। और ये गया हमारे सामने, फट गया यार वो, मतलब कैसे बेवकूफ़ लोग है, जबकि ये बोल रहा है कि डोंट। ओके, ये मेरे अब ये क्या हो गया? ओके, ये तुम्हारी छत टूट गई है थंडरस्टॉर्म से। अब यार ऐसे तो मैं मर जाऊँगा यार, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। मैं क्या से सर्वाइव कर ही लूँगा मैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुमसे सर्वाइव कर लेंगे। मैं इस छोटे से बक्से में कैद हो चुका हूँ, हालांकि वो अलग बात है। तो मैं एक बार जा के अगर उस साइड जाने की कोशिश करूँ तो मैं शायद जा सकता हूँ। आई गेस मैं उस साइड जाता हूँ। नहीं 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 हाँ भाई, क्या हाल चाल? ये ओपन जा रहा है वापस, क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पर। थंडरस्टॉर्म चल रहा है बाहर और हम अंदर बिजलियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर जाकर देखें अगर, तो ऊपर की छत तो टूट चुकी है, छत तो बची नहीं है अब तो। और एक और बिजली की रिचस्ट वहाँ पर अभी अभी, तो हम उस बिजली से जस्ट सर्वाइव कर पाए हैं। और यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या चीज़, ये खाना वाना बन रहा है, मुझे लग रहा है किचन है शायद। मैं गैस पे खड़ा हुआ तो नहीं जल रहा मैं, ये भी बढ़िया यार, हम सर्वाइव कर लिया हमने, वाह। वैसे मैं पहले भी खेल चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं टॉप पे होना चाहिए इस लिस्ट के अंदर। ओके, मेरी नंबर क्या है? ओके, मेरी बेल रॉक्स में टॉप पे हूँ भैया, हम ही टॉप पर हैं इस वक्त, तो 57 हैं और 58 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मैक्स आयन रेमबो राइड, अब ये कौन सा मैप होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है? ओके, रोलर कोस्टर बना हुआ है, मैं रोलर कोस्टर के अंदर जा सकता हूँ क्या? एड बता नहीं क्या आया था ऑप्शन अभी कुछ एड फ्रेंड का, मैं रोलर कोस्टर के अंदर जाना चाह रहा हूँ। मेरे को भी लो, अरे मुझे तुम्हारी साली, अबे मुझे, हाँ ठीक है चलो बैठते हैं, बैठ भी नहीं सकते अब तो, दोनों जने एक दूसरे की तरफ बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता नेक्स्ट होम क्या आने वाला है, अगर ऐसा कुछ आया जिसमें हम निपट गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फॉल डैमेज भी मिलता है मुझे। मुझे वेट करना पड़ेगा अगला क्या आ रहा है। मीटियोर और शावर, और मेरे ख्याल से इसमें से निकलना ही ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ से कूद भी नहीं सकते हैं, तो इसका नीचे जाने का वेट करना पड़ेगा। अगर हम नीचे जाने तक सर्वाइव कर गए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर तो हम मर गए। ओके, कुछ ना कुछ टूट गया है इस रोलर कोस्टर का, मुझे भी नहीं पता क्या टूटा है, पर कुछ तो टूटा है। आजा भाई नीचे, आजा नीचे, आजा नीचे, आजा नीचे, आजा नीचे, आजा नीचे, आजा, मुझे नीचे जाना है, मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब निकल निकल निकल, बच गए। ओके, तो हम बाहर तो आ चुके हैं, पर अब करना क्या है? ओके, चाने मीटियोर गिर रहे हैं ऊपर से, मीटियोर गिर रहे हैं ऊपर से। अबे चीज़ें उड़ती हुई आ रही है, भाई क्या हो रहा है ये? अबे मेरे सामने गिरा जस्ट, अबे नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे तो मैं तो फट जाऊंगा यार भाई ऐसे रास्ते में ही, मैं इस पिलर के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मीटियोर गिरेगा तो मेरे ऊपर शायद शायद ना गिरे, क्या पता। हालांकि कुछ कह नहीं सकते हैं, पर मेरे ख्याल से मैं इसे सर्वाइव कर लूँगा, मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे सर्वाइव कर लेंगे, है कि नहीं? क्या लगता है आपको इस बारे में? ओके, तो मीटियोर शावर ख़त्म हो गए, नहीं हुए, अभी भी चल रहे हैं, कितने जने से बचे हुए हैं भाई? ये एक ही बचा हुआ है क्या मेरे पास में? बाकी सब मर गए क्या? ये क्या सब मर गए? उधर चलकर देखें अगर, तो उधर क्या आपको जिंदा है कि नहीं? नहीं, एक ये भी गया जस्ट अभी तो जिंदा था, पर लगता है अब। ओके, हम और इतने सारे जने जिंदा थे, मेरे को कोई दिखाई नहीं यार,
सो नेक्स्ट मैप आ रहा है फ्यूरियस स्टेशन, मुझे नहीं पता किस चीज़ का स्टेशन है ये, पर के पेट्रोल पंप है यार भाई, इसमें तो क्या ही बचेंगे अब, कुछ भी डिजास्टर हुआ तो ये तो फट जाएगा ना, और वो भी फट सकता है, वहाँ पर गाड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं। तो अगला डिज़ास्टर कौन सा आता है उस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। सो डेडली वायरस अवॉइडिंग द क्राउड, ओके मैं बच गया हूँ, जस्ट वहाँ पर वायरस था। अबे मेरे अंदर से वायरस निकल रहा है यार, अबे मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ, मैं को नहीं रखता, मैं बचूँगा, मेरी हेल्थ जा रही है। नहीं 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 नहीं, अब मैं इन्फेक्टेड हुआ तो मैं भी किसी और को भी इन्फेक्टेड करूँगा, मैं इसके इसी ऐसे काम थोड़ी चलेगा, तो इन्फेक्टेड हो ही गए हैं तो दूसरों को भी इन्फेक्ट करने में ही फ़ायदा है। हम मरेंगे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, आप चिंता ना करें, और मैं मर गया। ओह शिट यार भाई, वायरस स्टार्ट ही मुझसे हुआ, मैं क्या करूँ यार, हद हो गई यार। अब वो लोग वहाँ मजे ले रहे हैं, हम यहाँ मर चुके हैं, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी हो जाता है। मेरे ख्याल से मैं टॉप पर थोड़ी हूँगा, टॉप पर तो कोई और ही आ चुका है, क्या नाम है उसका। अच्छा मेरे ऊपर दो बंदे आ चुके हैं, 78 और 123 बार इन लोगों ने सर्वाइव कर लिया है, मतलब मैं बहुत पीछे निकल चुका हूँ, मगर कोई बात नहीं, हम इनको भी पकड़ ही लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो पहले दिन, पहले दिन मतलब डे आफ्टर टुमारो, यही होता है। और अब ये चलने वाला है हमारा नया मैप सर्वाइवल, मेरा नाम तो आएगा नहीं, तो मैं मिलता हूँ आपसे जब नया मैप आता है और नया डिज़ास्टर स्टार्ट होता है, तब तक सो लॉन्च लैंड नया मैप है। और अब मुझे मैं इस रॉकेट के अंदर जाके बैठ सकता हूँ क्या, मुझे देखना है कि मैं इस रॉकेट के अंदर जाके बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि यार कुछ करने लगे हैं और उस समय अगर डिज़ास्टर आ जाए तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि फिर तो हम कुछ और ऊपर जाना पड़ेगा भैया, इसमें एंट्री का चाहिए ना। ओके तो डिज़ास्टर क्या आ रहा है, मैं रॉकेट के अंदर ही चला जा रहा हूँ, जो होगा आज रॉकेट के अंदर ही चलेंगे। ऊपर पर सब तरफ फुल हो चुका है ये माहौल, बंदे ही बंदे बैठे हुए हैं, और मैं नीचे जाके देखूँ। अबे यार तो बसड़ मचा दी इन लोगों ने, डिज़ास्टर है क्या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हद हो गई यार, उन तरफ से बाहर की तरफ से विंडो भी नहीं देख सकते हम। वी स्टॉर्म से कैन फाइंड द शेल्टर, ओके हम शेल्टर में ही हैं ऑलरेडी, तो मुझे नहीं पता क्या डिज़ास्टर है और क्या होने वाला है। और हमारा रॉकेट बड़ा बुरी तरह से हिल रहा है और हो सकता है कि नीचे भी गिर जाए, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बाहर बहुत सारी तूफानी हवाएं चल रही हैं, जैसे कि आप खिड़की से बाहर देख पा रहे होंगे, मुझे नहीं पता देख पा रहे हैं देख पा रहे, मगर सामान गिर रहे हैं इधर उधर से, रॉकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमें अंतरिक्ष में जाना था, हमारे अंतरिक्ष पे जा नहीं पा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं ऐसी ज़िंदगी का है कि नहीं। तो अब तो क्या है, अब मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा है यार, ठंडा हो गया माहौल मेरे को लग रहा है, मुझे क्यों लग रहा है यार माहौल ठंडा हो गया है। आइए अब मैं पार भी नहीं देख सकता इसमें, अब ये सारे जम गए क्या बर्फ़ से, क्या हुआ है, सीढ़ियाँ काली थी जो सफ़ेद कैसे हो गई, और ये बर्फ़ के टुकड़े कहाँ से आ रहे हैं, मुझे लगता है कोल्ड वेदर हो चुका है बाहर, ठंडा ठंडा माहौल, और इसको तो हम इसी के अंदर बैठ के सर्वाइव कर लेंगे। अगर बाहर फाइंड शेल्टर के लिए मुझे बोला तो है, पर बाहर जाके देखे तो क्या होगा, क्या लगता है बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो गया है। अबे ओ ये रहा, अब मैं बाहर देख पा रहा हूँ, और हमारा रॉकेट का ऊपरी हिस्सा भी टूटता हुआ, और हमारी हेल्थ जा रही है, अभी तक तो नहीं जा रही है, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा मैं सीट पर बैठ गया हूँ, ये भी बढ़िया, रॉकेट ख़त्म होने वाला है, रॉकेट के नीचे की साइड में खड़े हो सक रहे थे हम, आग लग रही थी, वो सब सर्वाइव कर गए, एक भी शायद नहीं मरा इस पर, तो हद ही हो गई। अब मैं सब सर्वाइव कर गए हैं तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मेरा गेम अटक गया क्या, अब मैं तो यही रह गया, बाकी सब जने चले गए, क्या क्या बकलो लिए, अबे हद है, अबे मैं भी गायब हो गया, ये बंदे कहाँ से गिर रहे हैं, वो नया मैं भी स्टार्ट हो गया, वो मैं अभी यहीं बैठा हुआ हूँ, ये अभी क्या हुआ अभी मेरे साथ में, खैर पता नहीं, तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ होगा हमारे साथ में, हो गया है कि नहीं। तो अब मुझे सर्वाइव करना है ये वाला मैप, इसके अंदर पता नहीं मुझे कौन सा वो देंगे ये लोग, नेचुरल डिज़ास्टर कर करके। अब इसमें क्या आने वाला है, अर्थक्वेक आ सक रहा है, मीटियोर शावर आ सक रहा है, कुछ भी आ सक रहा है, बवंडर भी आ सक रहा है भाई, हो भी सकता है बवंडर, सुनामी आ रही है भैया, हायर ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, हायर ग्राउंड पे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे, और हायर ग्राउंड पे जाने का एकमात्र वही तरीका है वो है ये, यहाँ से ऊपर चढ़ो, उससे और ऊपर कैसे जाऊँगा मैं,
मैं को और ऊपर जाना है मैं, अच्छा मैं इसमें से, अबे मुझे आवाज़ आ रही है सुनामी की, अबे और ऊपर कैसे, अच्छा उधर से जा सकते, और आओ रहा और सुनामी आ गई भाई, अबे नहीं 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 मैं भी इनके ऊपर ही चढ़ जाता हूँ, शायद बच जाऊँ, शायद बच जाऊँ, मेरे ख्याल से मेरे नीचे से निकलेगी। और सुनामी सब कुछ तोड़ते हुए जा रही है और हमको निपटा दिया, हम कुछ कर ही नहीं पाए, अबे कोई सर्वाइव भी किया उसमें? तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना कुछ काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ यार अगर कोई मेरी वीडियो को पूरा देख रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्या जाएगा तुम्हारा, केवल एक बटन ही तो दबाना है। तो तब तक के लिए बाय।